देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। मीडिया श्रावस्ती में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद में आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने के मद्देनजर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी टीके सेबू की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौजूद सभी संभ्रांत नागरिकों ने आशा जताई कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद में ईद उल जुहा बकरीद का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जनपद अपनी अलग पहचान रखता है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि बकरीद के त्यौहार में भाईचारे की मिसाल कायम रखें। जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई, विद्युत एवं पानी आदि के माकूल बंदोबस्त कराए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जिले में अमन चैन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपेक्षा की कि त्यौहार के अवसर पर कोई ऐसा कार्य न करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें और साथ में मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर घर पर ही त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि जिले में बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाएगी तथा सामूहिक कुर्बानी पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थ, अवैध मदिरा, शराब का सेवन आदि पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुमति के जुलूस निकालते या सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान करते पाया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि सभी लोग बकरीद का त्यौहार एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए मिलजुल कर मनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि त्यौहार के अवसर पर गुड पुलिसिंग की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने संभ्रांत जनों व बुजुर्गों से अपील करते हुए कहा कि त्यौहार के अवसर पर संयमित आचरण तथा कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी को हिदायत दें। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे, उपजिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, उपजिलाधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, उपजिलाधिकारी आरपी चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एमपी शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। कोरोना महामारी है, उसके थर्ड वेव जो कि दक्षिण भारत और विश्व के तमाम देशों में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कहर ढा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए